जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदनंद ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय पंचतत्ता जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत दिशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीस गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगे राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टके हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 47-48। तद्धानोद्रिक्तया भक्त्या तद्धादनोत्रित्यक्तया विशुद्धाधीशना परे विशुद्धा सिद्धना परे तस्मिन् नारायण पदे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मत योगतिम एकांत मत योगतिम अबापुर दूर बापंते असद्भिर्षयात्मभिः विदुतकल्मषास्थानम्
विद्युत कलम सा स्थानम बीरजे आत्मन नय मही हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी छीटावा जान तेरे कौन जी हम देख ले रही बहुत पढ़ी है माता जी डिफिकल्ट है जी प्रभु जी पढ़ रहे हैं निकाल रहे हैं प्रभु जी भगवतम इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। ये वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते ध्यान धरते। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमोगुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्री रासायनिक प्रक्रिया से पीतल जैसी किसी धातु को सोने में बदल देता है, अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने के बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवद्गीता में भी श्री जीव गोस्वामी की इस कथन की पुष्टि होती है जब भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमस को लांग करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है, और जब भक्ति में सेवा के संस्फूर्ति आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। जैसा बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये है आज हमारा श्लोक 47-48। तो यहाँ पर बताया गया है युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार अपने शरीर को त्यागे और शरीर को त्यागे बिना ही सशरीर में भगवान के धाम सशरीर में भगवान के धाम में चला गया। कितना विचित्र बात है, हम सब मरने के बाद भगवत धाम जाएंगे अगर शुद्ध भक्ति रहे तो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने भक्ति में इतना उन्नत था कि सशरीर इसी शरीर को लेकर वो भगवान के धाम चले। तो यहाँ पे बहुत टीका टिप्पणी किया गया है। जीव गोस्वामी के अनुसार सड़े गोस्वामियों में से एक गोस्वामी का नाम है शिलजीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति एनी बॉडी जो सत्वगुण रजगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण है आपके अच्छे व्यक्ति का लक्षण, ईमानदार व्यक्ति, साधु संत प्रवृत्ति के व्यक्ति को सत्वगुण कहा जाता है। रजगुण बहुत लालची होता है, इतना धन है और कमाएंगे, उतना धन है और ज्यादा कमाएंगे, ये लालची रजगुण लोभी। और तमोगुणी अज्ञानी होते हैं। इस संसार में जितने सारे जीवात्मा है सभी जीवात्मा के अंदर ये तीनों गुण काम करता है। कोई अज्ञानी है तो कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख है तो कोई पंडित है। तो ये सब ये जो तीन गुण है सत्वगुण रजगुण तमोगुण ये तीन गुणों के द्वारा उथल पुथल होता है। तो यहाँ पर वही जीव गोस्वामी वही चीज बोलना चाह रहे हैं अगर कोई तीनों गुणों के उथल पुथल से मुक्त हो जाते और अध्यात्म में स्थित हो अर्थात भक्ति में जुड़ा हुआ हो
तो वो मरने का जरूरत नहीं है, इसी जीवन में भगवान के धाम में पहुंच सकता है, बिना शरीर परिवर्तन किए ही वो अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, प्रामाणिक गुरु मतलब हमारे इस्कॉन में जितने सारे गुरुदेव वो सब प्रामाणिक गुरु है, या बाकी जो है चार संप्रदाय हमारे इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्ब श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चार संप्रदाय में से कोई भी इस संप्रदाय में दीक्षा लेकर वो योग्य ब्राह्मण बन सकता है या मुक्ति का पथ प्रदर्शित प्रशस्त कर सकता है, ये विधान दिया गया है। कैसे? जिस प्रकार रसायन शास्त्री केमिस्ट वो क्या करते हैं, पीतल जैसी धातु को सोने में बदल देता है, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कुछ ऐसे रासायनिक तत्व मिला देते हो सोना बन जाता है, तो पीतल चीज सोना बन गया, उसी प्रकार हम सब पीतल है और भगवत धाम के वासी सोना है, भगवत धाम गोलोक वृंदावन के वासी क्या है, सोना, सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, सोना मतलब गोल्ड, और हम सब है पीतल, तो एक रासायनिक तत्व अगर हम सबको मिलाया जाए तो हम लोग सोना बन जाते हैं, बिकम एट गोल्ड। उसी प्रकार जब हम लोग गुरु परंपरा द्वारा दीक्षा लेते हैं ना, तब हम लोग वो पीतल नहीं रहते, सोना बन जाते हैं। तो अगर शुद्ध भक्ति अगर कोई व्यक्ति करे, अगर कोई शुद्ध भक्ति करे तो सीधे वो भगवान के धाम को चले जा सकते हैं, शरीर परिवर्तन करने का भी जरूरत नहीं करना पड़ता। तो ये होता है वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व। तो जीव गोस्वामी इस चीज को अपने पुस्तक में बताए हैं, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 14 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में भी ये चीज का वर्णन किया कि जो व्यक्ति अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता, अविचल भाव से, अविचल विचल मतलब कभी 16 माला जप करेंगे कभी एक माला भी नहीं, उसे कहते विचल। अविचल मतलब रोजाना आप नियम से सुबह सुबह उठेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो अविचल भाव इसे कहा है। तैसे अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो हाँ, मांच जो व्यभिचार है ना, भक्ति जोगाय कल्पते, हाँ मांच जो व्यभिचार है ना, भक्ति जोगे न सेवते, सगुणान समय तित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14 अध्याय का 26 नंबर श्लोक, मांच जो व्यभिचारेण, अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अविचल भक्ति करता है, जो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान। देखिए तो माता जी आपके पास भगवत गीता है क्या पूजा माता जी? 14 अध्याय के 26 श्लोक को निकालिए तो, 14 अध्याय के 26, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनुवाद दिया, वही श्लोक है ना, निकाल रहे हैं जी। मांच जो व्यभिचारे न भक्ति जोगे न सेवते, सगुणान समत इत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति इसी शरीर में रहते हुए सगुणान सत्तगुण रजगुण तमोगुण ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म बन जाते, अर्थात भगवत धाम पार्षद बन जाते भगवान का, ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भक्तिमय सेवा ये इतना सच्चे दिल अर्थात सकारात्मक रूप से हम लोग को करना, संदेह नहीं करना चाहिए कि बिना शरीर परिवर्तन करके हम लोग गोलोक वृंदावन प्राप्त करें, शरीर बिना शरीर परिवर्तन के भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में पहले ये सब चीज डिस्कस हो चुका है। अभी देखिए हमारा जो काम है ना भक्तों का, हम लोगों को कभी भी किसी भक्त का नकल नहीं करना चाहिए, कभी भी भक्त का नकल नहीं करना चाहिए, हर परिस्थिति में अनुसरण करना चाहिए।
मान लीजिए ध्रुव महाराज सशरीर भगवत धाम चले गए, युधिष्ठिर महाराज सशरीर भगवत धाम चले गए, अगर आप भी बोलेंगे चलिए मैं भी सशरीर जाऊंगा, नहीं, आप दूसरे का अनुसरण मत कीजिए, अनुसरण कीजिए, अनुकरण मत कीजिए, नकल मत कीजिए, उनके पास वो योग्यता था, आप क्यों कॉम्पिटिशन लड़ रहे उनके साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए 49 नंबर जो श्लोक है, 49 नंबर श्लोक में बताया गया है विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्ता पितृभिषाक्षयं ययो। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया, प्रभास क्षेत्र में, चूंकि भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया जहां वो अपने मूल पद पर लोक। तात्पर्य पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी है, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और वो जमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग जमराज से भयभीत रहते क्योंकि वही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त है उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। जो भक्तों के सुहृद मित्र है किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। जमराज को मंडूक मुनि ने श्राप दिया था कि शूद्र बन जाए। अतः विदुर जमराज के अवतार थे, अतः उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भयतिक्तावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सके। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शूद्र जन्म उनके सारे कर्म भूल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया। फिर देवता भी भगवान के पार्षद है किंतु पितृलोक में स्वागत है, पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद है किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं होता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह से बोलना सहज है, इसकी पुष्टि भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 5 नंबर श्लोक में हुई है। तो जो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि भक्ति जो है ना ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण भक्ति में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये चीज हम लोग को अभी आभास नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन इसका आभास हम लोग को जरूर हो। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। इस संसार में हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो भय है वो भय है मृत्यु का भय, और मृत्यु का भय से भी ज्यादा बड़ा भय जो है वो है कि अगले जीवन में कुत्ता तो नहीं बनेंगे, पशु तो नहीं बनेंगे। ये चीज का सबसे बड़ा भय है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग पशु जीवन में चले गए ना तो मनुष्य जीवन में आ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हम लोग को चांस दिए हैं कि जाओ भक्ति करो, मनुष्य जीवन तुमको मिला है। लेकिन हम लोग अभी अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो अगर किसी कारणवश हम लोग भक्ति को छोड़ देते हैं तो अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा, अगर पशु जैसा आचरण किए तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा लाइफ, जन्म जन्मांतर तक हम लोग नरक में भोगना पड़ेगा।
फिर इसको बहुत ही सतर्कता के साथ बहुत ही केयरफुली लेना है। भक्ति जीवन जो है ये इतना दुर्लभ है और इतना मतलब रेयर है, इसको प्राप्त करना तो असंभव है लेकिन हम लोग को प्राप्त हो चुका है, इसीलिए इनको बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है और दूसरों को भी इंगेज करना है। तो जो भी है आज हमारे मायापुर में जो गंगा माता मंदिर अर्थात जो प्रभुपाद घाट वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ है तो वहां पे उद्घाटन होगा, इसीलिए हम अभी 10 मिनट के बाद चले जाएंगे, माता जी भी जाएंगे, तो 10 मिनट हमारे पास समय है। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कल टॉक शो कौन कौन देखे, कल मायापुर टीवी का टॉक शो कौन कौन देखे, हाथ उठाइए। उमा शंकर प्रभु जी देखे, कोई एक पॉइंट बताइए प्रभु जी क्या अच्छा लगा। पूरा नहीं देखे, थोड़ा सा हम देखे, थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रहा था। पूजा माता जी आप देखे थे? नहीं प्रभु जी हम नहीं देखे। नंद किशोरी माता जी आप देखे थे? प्रभु जी हम भी नहीं देख पाए। किसी का कोई इरादा ही नहीं, किसी का सीरियसनेस ही नहीं है कि प्रभु जी नहीं, प्रभु जी है हम बाद में देख लेंगे वो, क्योंकि कल मतलब कल मेरा क्लास था, वो गीता का क्लास था, इसीलिए नहीं कर पाया। सुलम वाला भी कंप्लीट करना था इसीलिए हम नहीं कर पाए। ऐसा होता कि हाँ। किसी का कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? 5 मिनट समय है हमारे पास, नया नया 2-3 भक्त आए हैं, सिंह गंगा जी प्रभु, राकेश बागले प्रभु, बोलिए क्या प्रश्न है। उमा संदेश एक सवाल एक आदमी ने हमको पूछा कि भगवान क्या है, तो बताया भगवान भय है, भय से लोग भगवान को। आपने जवाब क्या दिया? हम जवाब ठीक से नहीं दे पाए, हम कहे भगवान भय नहीं है, भगवान का अनुसरण कीजिए तो भगवान से अपना तो कोई है ही नहीं। उनको बोलना था भगवान भय है तुम्हारे लिए, क्योंकि कंस के लिए भगवान भगवान नहीं था, कंस के लिए कृष्णा भय था, इसी प्रकार तुम ऐसे पाप आचरण करते हो इसीलिए तुमको भय नजर आता। मैं कोई पाप आचरण नहीं करता, कृष्णा से प्रेम करता हूँ इसलिए मुझे मुरली श्याम सुंदर दिखता है। सच्चिदानंदमय है वो। आपको प्रश्न करने के लिए बोला ना, आपको लेक्चर देने के लिए बोला है? बोलिए क्या क्वेश्चन है। हो गया। कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं, वीडियो को ढक के क्यों रखते हैं? राकेश बागले प्रभु जी यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप छुप लग रहा है, अपना वीडियो को छुप के रखते आप, अपने आप को छुपाते क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं, साधु संग करने आना है, दूर दूर से साधु संग करने के लिए साधुओं का संग करना पड़ता सामने आकर। नहीं नहीं वो तो मैं कर रहा हूँ वीडियो ऑन। और ये कौन है, सिंह गंगा जी माता जी है या प्रभु जी है? माता जी है, वो यूएस से। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, तो माता जी का नाम गंगा जी थे क्या? गंगो जीत या कुछ है वैसे कुछ है। प्रश्न था कि मैं मायापुर जाने वाली हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, टाइम में माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी, अभी उठी थी मैं, बस अभी ना बच्चों को तैयार करी थी स्कूल के लिए। अच्छा हाँ जी हाँ जी, तो मैंने कान में स्पीकर लगाए रखे हैं। कोई बात नहीं आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रही हूँ साथ साथ ना आपका। एक्चुअली क्या होता है ना, पता नहीं चलता नाम। कोई बात नहीं, क्या बोल रहे थे पूजा माता जी?
मायापुर जाने वाला है दुर्गा पूजा के टाइम, तो रहना है वहां, तो रूम बुक के लिए बात करना था, कैसे करें वो? कर देंगे तो वो चीज यहाँ पे ये प्रश्न है क्या, वो तो मुझे बाद में फोन करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्लास में बोलने की? नहीं आपको तो अभी फोन में, तो अभी आपको मतलब उसमें ठीक है छोड़िए। और प्रश्न ये था कि आपने जो अभी चार क्या बताया, चार वो जो था ना श्री और क्या था वो, उसके बारे में थोड़ा मुझे जानना था। पता नहीं क्या चार, जैसे कि मतलब प्रामाणिक प्रामाणिक जो मतलब गुरु होते हैं और उसके बाद जो हाँ चार संप्रदाय जो है उसके बारे में, चार संप्रदाय के मतलब मतलब श्री। अरे वक्त जा रहा है, मैं समझ गया बोला ना, उतना डिस्कस करने की क्या जरूरत है। चार संप्रदाय मतलब ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में हम लोग आते हैं, हमारा ये जो भगवद गीता है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, इस तरह परंपरा से है। एक है रुद्र संप्रदाय जो पार्वती देवी को महादेव सुनाए थे, उससे परंपरा आता है। और एक है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, और एक है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय का अर्थ नहीं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय आ रहा है ब्रह्मा से, श्री संप्रदाय आ रहा है नारायण जो लक्ष्मी को बोले, लक्ष्मी संप्रदाय श्री जो रामायण के संप्रदाय होते हैं, और तीसरा है रुद्र संप्रदाय जो महादेव पार्वती को बोले, और चतुर्थ कुमार संप्रदाय जो चतुष कुमार को भगवान विष्णु बोले। ये चार संप्रदाय पृथ्वी में आया, जो चारों संप्रदाय के अंतर्गत ही हम लोग भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। चलिए हमारा समय सीमा पार हो गया, वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय भागवत महापुराण की जय। जय वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय जयगुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।